मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मीनाक्षी. टूडे आई विल टेल यू हाउ टू कम्प्लीट पेज नंबर 22. लेट्स ओपन पेज नंबर 22. ऑब्जेक्ट ड्राइंग फ्रूट्स स्टेप बाय स्टेप. यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं फ्रूट्स के, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप कलर करना है. कलर द गिवन पिक्चर्स ऑफ फ्रूट अडॉप्टिंग द सेम स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स. चिल्ड्रंस, यहाँ पर हमें इन फ्रूट्स को स्टेप बाय स्टेप कलर करना है मैंगो और ग्रेप्स में. मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कैसे स्टेप बाय स्टेप कलरिंग की जाती है. आज हम फिर से सेम वही कलरिंग करेंगे. जैसे यहाँ पर हमें सबसे पहले हम यहाँ पर येलो कलर लेंगे, लेमन येलो नहीं लेना है हमें. जो सेकंड वाला कलर होता है वो वाला क्रोम येलो, उसी कलर को हमें करना है पहले इतने पार्ट में. ये देखिए, इस पूरे मैंगो में हम पहले येलो कलर कर लेंगे. अब इसके बाद हमें इसमें लाइट कलर, मतलब हमें यहाँ पे रेड कलर को विद येलो टच के साथ करना है. मीन्स वो ऑरेंज सा हो जाएगा थोड़ा सा, बहुत लाइट लाइट लेंगे इतने पार्ट में. अब हम इसको ड्राई होने देंगे. अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा रेड कलर से शेड देंगे लाइक दिस, इस टाइप से. देखिए चिल्ड्रंस, इस तरह से हमें रेड कलर से शेड देना है. अब हम यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर से शेड देंगे लाइक दिस. ये देखिए, ग्रीन से शेड हो गया. अब हम यहाँ पर ब्राउन से शेड देंगे, ये पार्ट में हमें ब्राउन कलर करना है. इतना हमें थोड़ा सा व्हाइट छोड़ देना है. अब हम थोड़ा सा ब्राउन का शेड इतने पार्ट में भी दे देंगे. इस टाइप से अब जो यहाँ पर यहाँ वाला जो पार्ट है इसमें हम व्हाइट कलर कर देंगे इन्हें वाले पार्ट में, दो प्लेसेस पे इस टाइप से. ये देखिए, मैंगो कंप्लीट हो गया है. अब हम ग्रेप्स कंप्लीट करेंगे. सेम ऐसे ही हमें ग्रेप्स भी कंप्लीट करने हैं. चिल्ड्रंस देखिए, अब हम ग्रेप्स कंप्लीट कर रहे हैं तो पहले हम पूरे ग्रेप्स में लाइट ग्रीन कलर कर लेंगे. पूरे पोर्शन में हम लाइट ग्रीन कलर करते चले जाएंगे इस टाइप से. इसमें जो ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है इसको हमें यहाँ पे व्हाइट छोड़ना है. इतना इतना पार्ट पेपर को हमें व्हाइट छोड़ते चले जाना है और इसे सारे ग्रेप्स में कलर कर लेना है लाइट ग्रीन. चिल्ड्रंस, अब जैसे लाइट ग्रीन कलर मैंने कर दिया है पूरे पोर्शन में, अब हम यहाँ पर कहीं कहीं पे डार्क ग्रीन कलर से शेड दे देंगे. बहुत ही कम डार्क ग्रीन कलर लेंगे, उसी से हम पूरे ग्रेप्स को कम्प्लीट कर देंगे. Like
दिस, जहां पर भी शेडो दिख रही होगी हमें ग्रेप्स की दूसरे ग्रेप्स पर, वहां पर हमें डार्क ग्रीन कलर करना है। इसमें भी हमें थोड़ा सा डार्क ग्रीन का शेड दे देना है। Like this. ये देखिए शेड हो गया है इसमें और ग्रेप्स भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप यू ऑल लाइक दिस। ओके स्टूडेंट, डू दिस वर्क नीटली। गुड बाय।